हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी वापसी का बेसब्री से टीम इंडिया इंतजार कर रही है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जिसका विकल्प पिछले 5-6 सालों में टीम इंडिया ढूंढ नहीं पाई है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन की बजाय अपनी चोटों को लेकर सुर्खियों में रहता है। हार्दिक पांड्या एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा दुआ कर रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द मैदान पर वापस आ जाओ। अब हार्दिक पांड्या ने टीम इंडिया के फैंस को और सभी लोगों को यहाँ पर खुशखबरी दी है, और वो खुशखबरी क्या है चलिए आपको बताते हैं। देखिए, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला चल रहा था वहां पर उनको चोट लगी थी, जिसके बाद वो वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उम्मीद लगाई जाने लगी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज है उससे वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे भी वापसी नहीं हुई। उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ भी वो नहीं खेले, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज तो वो खेलने वाले थे ही नहीं। अब उम्मीद की जाने लगी है यहाँ पे कि आईपीएल में वो वापसी कर सकते हैं। और जिस तरह से अब यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पे वीडियोस डालना शुरू किया है, जिसमें वो जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिम में सेशंस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उत्सुकता बढ़ा रही है भारतीय फैंस की कि कितनी जल्दी यहाँ पे हार्दिक पांड्या टीम इंडिया में वापसी करेंगे और क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। हाल ही में उन्होंने एक और वीडियो डाली जिसमें वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है टीम इंडिया के फैंस के लिए, आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए, जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने कप्तान का वापस आने का यहाँ पे। अब हार्दिक पांड्या ने संकेत तो दे दिए कि उन्होंने गेंदबाजी भी शुरू कर दी है और वो जल्द मैदान पे वापसी करेंगे, लेकिन फिर भी एक सवाल बरकरार है कि वापसी तो कर लेंगे लेकिन क्या पूरी तरह से फिट होंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो उनकी फॉर्म नहीं है, वो उनकी है चोट, इंजरी। जितने ज्यादा वो चोटिल होते हैं शायद उतना कोई खिलाड़ी होता होगा, और उनके जैसा खिलाड़ी मिलना भी टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आईपीएल में बतौर कप्तान वो मुंबई इंडियंस के लिए कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करने वाला है कि T20 वर्ल्ड कप में वो क्या कप्तानी करते हुए नजर आएंगे या फिर रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे। बहुत कुछ होने वाला है अगले 2-3 महीने में हार्दिक पांड्या के लिए। पहले खुद कप्तान होंगे, रोहित शर्मा उनकी कप्तानी में खेलेंगे, और अगर प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय फैंस सिर्फ एक चीज चाहेंगे कि कप्तान कोई भी हो, प्रदर्शन दोनों खिलाड़ी करें, और साथ ही साथ टीम इंडिया का जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना इतने समय से अधूरा रह जाता है हर बार, उसको इस बार पूरा कर दें।